हेलो ऑटोमोबाइल्स एंड वेलकम टू द चैनल। यह है होंडा की एलिवेट ZX70 टॉप मॉडल। यह है फुली लोडेड का। इसके बावजूद मैं आपको 5 ऐसे एक्सेसरीज बताने वाला हूँ जो मस्ट हैव है फॉर एनी कार, और आप इसे Amazon से घर बैठे बुला सकते हो। फर्स्ट एक्सेसरीज आपको शॉक कर देगी और 5th आपको पुलिस केस से भी बचा सकती है। चलो देखते हैं। एक चीज आपको पहले ही नोट कर लेनी है, अगर आप न्यू कार परचेस कर रहे हो तो डीलरशिप वालों को बोल दो कि मुझे कोई एक्सेसरीज नहीं चाहिए। बताता हूँ क्यों। तो फर्स्ट एक्सेसरी है ये मड गार्ड। इसके बिना आपकी कार पूरी मिट्टी हो जाएगी। हमें लगता है कि ये तो कार के साथ ही आता है, पर ऐसा नहीं है। ये एक एक्सेसरीज के तौर पर दिया जाता है और कार डीलर इसको चुपके से आपके कार के प्राइस में ऐड कर देता है। अब ये अगर आप होंडा से लोगे तो इसका प्राइस है 2000 रुपीज, पर मैंने इसे सिर्फ 600 रुपीज में ऑर्डर किया है अमेजोन से। आप इसे घर पे ही फिट कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको ये नट्स फिट करने हैं और होगी इसकी फिटिंग। मैंने इसकी परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से इसे ऑर्डर कर सकते हो। सेकंड एसेसरीज है ये डोर प्रोटेक्टर। ये छोटी सी एसेसरीज जाने अनजाने में आपके कार के डोर्स को स्क्रैच होने से बचा लेगी। जब भी हम किसी क्लोज एरिया में पार्क करते हैं और कार के डोर्स ओपन करते हैं तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये एरिया किसी को टच कर जाए, किसी कार को या वॉल को, और यहाँ पे स्क्रैचेस आ जाए। तो ये छोटी सी एसेसरीज आपको उस स्क्रैच से बचा सकती है। अब आप होंडा से इसे लोगे तो ये 4 पीसेस का सेट आपको पड़ेगा 1300 रुपीज़ में, जबकि मैंने इसे अमेजोन से सिर्फ 249 रुपीज़ में बुलाया है, और ये इंस्टॉलेशन में भी सबसे ईजी है। थर्ड एक्सेसरीज है ये रेन वाइजर्स। ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये रेनी सीजन में तो आपको बारिश से बचाएगा ही, पर इसका समर्स में भी एक यूज़ है, बताता हूँ। तो अगर आप कार बाहर कहीं पार्क करते हो जहाँ पे बहुत धूप रहती है तो चांसेस है कि आपकी कार बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो जाए। तो अगर आप ये एक्सेसरीज लगाते हो रेन वाइजर्स, तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी विंडो थोड़ी सी रोल डाउन करके रख सकते हो ताकि जो भी हीट कैबिन में बनती है वो यहाँ से एयर फ्लो होकर बाहर जाए और आपकी कार ज़्यादा हीटअप ना हो। तो इस तरीके से ये एक्सेसरीज आपको रेनी और समर दोनों में भी हेल्पफुल हो सकती है। तो ये रेन वाइजर्स अगर आप होंडा के डीलरशिप से परचेस करते हो तो इसका प्राइस है 4700 गाइस, यस। और मैंने इसे सिर्फ 1900 से लेकर 2000 के रेंज में ऑर्डर किया है अमेजोन से, मैंने लिंक नीचे दे दी है, अब वहाँ से इसे ले सकते हो, और ये स्पेसिफिक टू होंडा एलिवेट है। तो फोर्थ एक्सेसरीज है ये 7D मैट। तो ये देख लीजिए इसकी फिटिंग, ये कम्प्लीटली अच्छे से फिट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको फ्लोर लैमिनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लोर लैमिनेशन के लिए वो लोग पूरी सीट्स खोल लेते हैं फिर फ्लोर लैमिनेशन करते हैं। पर इसकी फिटिंग जो इतनी अच्छी आती है और ये वॉशेबल भी है, तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हो ताकि आपको सीट्स आपकी खोलनी ना पड़े। तो ये 7D मैट्स भी अच्छा लुक देती है और वॉशेबल भी है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ फ्लोर लैमिनेशन, और आप फ्लोर लैमिनेशन के पैसे बचा सकते हो। Nice. तो होंडा के पास ये एसेसरीज अवेलेबल नहीं है 7D मैट। उनके पास कुछ बकेट फिट करके आता है, पर वो उतना कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये आप अमेजोन से बुला सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप इसे अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो 5000 रुपीज तक आ जाता है। तो ये भी आपके कार को एक अच्छा लुक देता है। तो 5th मस्ट हैव एक्सेसरीज है जो आपको पुलिस केस से भी बचा सकती है, वो है ये डैश कैम। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप होंडा के डीलरशिप से डैश कैम परचेस करते हो तो तकरीबन 12,000 का वो लोग कोट करते हैं, जिसमें वो सिंगल चैनल ही डैश कैम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी सिर्फ फ्रंट का। पर मैंने इसे सिर्फ 8500 में परचेस किया है। ये डुअल चैनल है, इसका मैंने इंस्टॉलेशन वीडियो बना के रखा है, मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे रेफर कर सकते हो, वहाँ पे भी इसकी परचेस लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको ये सूटेबल लगता है आपके लिए तो आप जरूर इसे परचेस कर सकते हैं। तो यही है वीडियो गाइस, 5 मस्ट हैव एक्सेसरीज आपकी कार के लिए। वैसे तो आप जितना चाहे आपकी कार को मॉडिफाई कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से ये 5 मस्ट हैव एक्सेसरीज आपके कार में होनी ही चाहिए ताकि आप अपनी कार ड्राइव को एंजॉय कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।